बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर नेपाल में काफी उत्साह का माहौल है। लुम्बिनी में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से पहले एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि ये भारत और नेपाल के बीच रिश्ते को और मजबूती देगा। नेपाल और भारत के लोगों के बीच आपसी रिश्ता गहरा है। बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम को पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन में नेपाल को शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन की बड़ी सौगात का ऐलान हो सकता है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर लुम्बिनी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं पीएम मोदी माया देवी मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर माया देवी मंदिर में होने वाले विशेष पूजा अर्चना में भी शामिल होंगे। उनके साथ नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी भी शिरकत करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर चीन की भी पैनी नजर होगी, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से चीन नेपाल को प्रभावित करता आ रहा है। नेपाल को अपने पाले में रखने के लिए चीन ने भैरवा में गौतम बुद्ध नगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार किया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि उद्घाटन वाले दिन पीएम मोदी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे और यहां से लुम्बिनी जाएंगे। ऐसे में इस एयरपोर्ट की वैश्विक मार्केटिंग भी हो जाती, लेकिन पीएम मोदी ऐसा नहीं करेंगे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के हेलीकॉप्टर से नेपाल के लिए रवाना होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।